भाई मैं इस मुझे लगता है कि आई एम वे टू यंग टू हैव एन ओपिनियन. मेरा एक अलग ओपिनियन हो सकता है बाकियों से, पर हमारे देश में बहुत वरिष्ठ जो लोग हैं, नेता हैं, या फिर बहुत मेरे से समझदार लोग बैठे हैं जो इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेंगे. बट मैं अपने भारतीय सरकार के साथ हर उनके जो नियम बनाते हैं जो भारत सरकार के हित में होते हैं, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा और रहा हूं. और वो कहेंगे कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारा देश जो है वो सेफ है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सैनिकों को, हमारे बच्चों को, या फिर किसी चीज़ की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अगर वो उनका डिसीजन होगा वाघा बॉर्डर खोलने का, तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा. जी, आप क्या कहना चाहेंगे देश में महिलाओं के ऊपर? देखिए, ये बड़ी शर्मनाक एक चीज़ जो हुई है, घटना हुई है, वो इस ऐसी घटनाओं से हम सबका जो सर है वो झुक जाता है, क्योंकि कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं है, फिर या फिर महिलाओं को अभी भी उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि सिर्फ ये एक महिलाएं उसी चीज़ के लिए हैं शायद, अगर जो उनके साथ वहाँ पे हुआ. ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जो जांच पड़ताल तो खैर क्या होनी है, क्योंकि ये तो इसमें पता ही है कौन है कल्प्रिट्स हैं, और ऐसे कल्प्रिट्स को मुझे लगता है कि जीने का कोई हक नहीं है. और अगर अभी भी हम कानून सख्त नहीं बनाएंगे तो एक दिन जनता यहाँ पे फिर कानून बनाएगी कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, और वो ऐसा कानून होना चाहिए कि उनको सामने चौराहे पे खड़े करके लटका के और उनका फिर जो हशर करना चाहिए, ताकि आने वाली कई पुश्तें ऐसा कदम ना उठा सके कि महिलाएं की तरफ ऐसा कोई काम करें जिसके कारण किसी भी बेटी को या मदर को उस चीज़ से जूझना पड़े. वो तो चले गई, बट उसके परिवार का क्या हालत हुई होगी. अब उनके घर वालों ने बड़ा किया कि मेरे बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या फिर कुछ ऐसा काम कर दिखाएगा, उनको नहीं पता था कि उनके बच्चे के साथ ये हो जाए. मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ बंद हो, और ये मेरा कहता हूँ कि सर झुक जाता है कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि जब हम इंसान होके भी इंसान की तरह जीते नहीं हो और ऐसे बद्दे काम करते हैं जिससे हम सब ये फील करते हैं कि शायद पता नहीं क्यों हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है. देखिए, अभी तक तो धुआं ही निकला है, आग लगी नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति अभी मेरे से काफ़ी दूर है, या मैं भी काफी दूर हूँ राजनीति से. मेरा नाम ममता तिवारी है. मैं सौभाग्य है कि आज हरभजन सिंह इस कॉज से जुड़े हैं, और आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम इंडिया को क्लेफ्ट ट्री बनाएंगे, और जब तक काम करेंगे, अभी तो 20 साल से काम कर रहे हैं, 6 लाख सर्जरीज ऑलरेडी कर दी हैं सिर्फ इंडिया में 6 लाख सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं. हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो क्लेफ्ट कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे. डॉक्टर रवि महाजन हैं, डॉक्टर अवतार हैं, जो अमनदीप हॉस्पिटल है हमारे अमृतसर में, और भी पंजाब में हॉस्पिटल्स हैं. सो आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम आभारी हैं कि जब कोई सेलिब्रिटी, और वो भी इस अहदे का सेलिब्रिटी, इस कॉज के साथ जुड़ता है, तो लोगों में इस प्रॉब्लम की अवेयरनेस बढ़ती है. आई थिंक दैट्स द मैसेज ऑफ टुडे. और स्माइल टॉर्च एक इनिशिएटिव है जो आज हमने यहाँ से लॉन्च किया है, पंजाब से, इनके हाथों से आज वो हुआ है. That will travel to other places. जैसे 150 hospitals हैं स्मार्ट इन इंडिया के, तो आई थिंक जहाँ जहाँ हमको, हम ऐसे अवेयरनेस के कैंपेन्स करेंगे, हरभजन सिंह हमारे साथ में
कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और सबको ये मैसेज देंगे कि भाई ये जो है, ये जो डिफेक्ट है, ये टोटली कम्प्लीटली क्योरेबल है, करेक्टेबल है। और कोई भी स्मार्टन के अस्पताल में अगर ऐसा बच्चा जाता है तो ये बिल्कुल निशुल्क है, इसका एक भी पैसा चार्ज नहीं होता है और पूरी ये सर्जरी फ्री करी जाती है बच्चों के लिए। तो ये जो दो चीजें हैं कि एक तो इलाज कराएं, इसको देवी का प्रकोप मान के बैठे ना रहे, सुपरस्टिशंस हैं जो मिथ्याएं हैं इसके चारों तरफ, वो सब यू नो उससे एसोसिएट ना करें, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको मेडिकली ट्रीट होना चाहिए। और दूसरा मैसेज ये है कि बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और डॉक्टर महाजन कुछ बोलना चाहेंगे इस कॉज के बारे में?